से जुड़ी खबर में एक और बार आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। दूसरी खबर की ओर रुख करेंगे जहां मैसेजिंग एप्स की सुरक्षा पर बहस आपसे जुड़ी एक खबर है, जहां व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से ही मैसेजिंग एप्स पर सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स ने सिग्नल और टेलीग्राम जैसे एप्स को डाउनलोड करना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि प्राइवेसी बनी रहे। वहीं कुछ साइबर विशेषज्ञों ने व्हाट्सएप सिग्नल और टेलीग्राम पर प्राइवेसी बरकरार रखने के कुछ उपाय बताए हैं। उनका कहना है कि यदि कुछ सेटिंग्स में बदलाव किए जाएं तो आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी। यह आपसे जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कुछ साइबर विशेषज्ञों ने सुझाव दिए हैं कि कुछ सेटिंग्स में बदलाव किए जाएं तो आपकी चैट्स की प्राइवेसी बरकरार रहेगी। वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट दामोदर सिंह राजावत जी जुड़ गए हैं। दामोदर जी, डीएनएन में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। दामोदर जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मैसेजिंग एप्स की सुरक्षा को लेकर अब चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं, तो किस तरह का अपडेट व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर? व्हाट्सएप वहीं का वहीं बना हुआ है। वो कस्टमर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपनी प्राइवेसी अपने हाथ में रखे और जो उसके अपडेट होने वो तो लाजमी है, उसके लिए वो क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहता और कस्टमर से अपील करता है कि वो अपनी प्राइवेसी अपने हाथ में रखे, जिसमें उसने बताया कि वो अपने ऑटोमेटिक डाउनलोड ना लगाए, अपना फोटो वगैरह को ऑटो सेव मोड पे ना रखे, बल्कि वो अपने जो लिंक है, जो भी डाउटफुल लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, उनको क्लिक करके अपनी प्राइवेसी या अन्य डाटा ना शेयर करे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो टू वे वेरिफिकेशन, जिसको खासतौर से SMS जब भी हम लॉगिन करें या अपना बैकअप लें तो कम से कम 6 डिजिट का पिन एक्टिवेट रखें, लेकिन कस्टमर इंडियन कस्टमर के साथ बात करें तो वो इतना एजुकेट नहीं होता और ये सब चीजें अगर वो ट्रांसपेरेंटली करना चाहता है तो ये चारों सेटिंग्स को उसको बाई डिफॉल्ट करना चाहिए। जब भी कोई नया यूजर व्हाट्सएप यूज करता है तो उसको ये सेटिंग्स प्री डिफाइन होनी चाहिए, पहले से होती है तो वो जनरली जो चला आ रहा है वही यूज करता रहता है, लेकिन हर कोई बंदा, हर कोई कस्टमर एजुकेट रहे ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में उनका केवल जो पहले दिन से जो टर्म्स चली आ रही है वो हमें फॉलो करनी है। यहाँ पे सिर्फ आवश्यकता है जो हमारे कस्टमर्स हैं जो उनको सतर्क रहने की, और खासतौर से आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने व्हाट्सएप पे इतना कंटेंट, इतनी चीजें देखी हैं तो एजुकेट भी हो रहा है, और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल का जहाँ पर लगातार व्हाट्सएप टेलीग्राम और अन्य ऐप्स के बारे में आप अपडेट दे रहे हैं जी। और इसकी सतर्कता की वजह से लोग ज्यादा सिक्योर मान पाएंगे, लेकिन अब हमारा व्हाट्सएप का कंट्रोल पब्लिक के हाथ में है, वो चाहेगा तो प्राइवेसी जाएगा अन्यथा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल दामोदर जी, लेकिन देखा जाए जिस तरह से एज अ एक्सपर्ट मेरा ही ये सवाल आपसे कि आप क्या कुछ सुझाव देंगे या कुछ वाकई ऐसी कोई सेटिंग्स हैं जिनसे हमारी प्राइवेसी बरकरार रहे, इवन चैट्स तो हमारी प्राइवेट रहे ही, ऐसा कोई सेटिंग्स? देखिए मोबाइल के लिए ऐप की बाढ़ आई हुई है जी। आप व्हाट्सएप को सिक्योर करते हो अच्छी बात है, लेकिन आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कहीं ना कहीं वेब ब्राउजर पे, जब से वेब ब्राउजर पे गया है चीजें सेव हो रही है जी। कोई भी एप्लीकेशन वेब ब्राउजर पे जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसकी डाटा शेयर हो सकते हैं। मान लीजिए आप व्हाट्सएप अपने मोबाइल की जगह कंप्यूटर पे यूज करते हैं जी। तो उसके ब्राउजर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज सेव करे। अब आपने व्हाट्सएप पे सिक्योरिटी दे रखी है लेकिन ब्राउजर को आपने परमिट करके रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी कंडीशन में वेब ब्राउजिंग ना करें, यानी कि उस व्हाट्सएप को मोबाइल के अलावा दूसरे कंप्यूटर पर ना खोलें। नंबर एक। नंबर दो, टू वे वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप कोई भी मोबाइल व्हाट्सएप यूजर है, चाहे थर्ड पार्टी दूसरे मैसेंजर यूजर है, उसको टू वे वेरिफिकेशन हमेशा अलाउ करना चाहिए, जैसे कि एक OTP आता है या एक पासकोड होता है, वो पुट करने पर ही उसका बैकअप या अन्य तरह के ट्रांजेक्शन हो जी। बहुत जरूरी है। तीसरा, आप कोई भी चीज सेव ना रखें बाई डिफॉल्ट 1, 2, 3 या जनरली जो एडमिन या 3, 2, 3, 4, 5, 6 जो जनरली पासवर्ड जो क्रिएट करते हैं या मोबाइल नंबर जो जनरेट कर लेते हैं उनसे भी उनको बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपका लोकल स्टोरेज में आपका जो पाथ होता है, खासतौर से वहां पर ऑटो डाउनलोड ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लिंक होते हैं जो ऑटो डाउनलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका लोकल PC या लोकल मोबाइल हैक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डाटा शेयर हो सकता है।
यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके पास आई लिंक के द्वारा या एपीके द्वारा आपको ऑटो डाउनलोड पे है, फिर आपने ओपन किया और वो रन हो जाती है, बैक एंड में वो काम करती रहती है और आपका डाटा बिल्कुल क्लियर हो सकता है बिल्कुल। लेकिन लेकिन दामोदर जी, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूजर्स में भ्रम की स्थिति तो अभी भी बनी हुई है और करोड़ों यूजर्स ने सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप सब डाउनलोड करना शुरू कर दिए हैं, जबकि बीच में अभी देखा गया था कि व्हाट्सएप की ओर से लगातार सफाई पेश की जा रही थी कि प्राइवेसी आपकी बरकरार रखी गई है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में भ्रम है। आप इसे किस तरह से देखते हैं और टेलीग्राम और सिग्नल्स आपकी तरफ से कितना कुछ सिक्योर है? देखिए, कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए व्हाट्सएप ने जो करना था किया जी, सबको पता है कि व्हाट्सएप अचानक ये पॉलिसी लाया, कम समय दिया गया है, जिसकी वजह से कस्टमर मूव कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। लेकिन कस्टमर कौन लोग मूव कर रहे हैं, एक ने किया दूसरे भी करने लगा, एक ने सुना दूसरा भी करने लगा, लेकिन क्या उन्होंने जान पाया कि सिग्नल या टेलीग्राम जैसे ऐप भी सिक्योर है? आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं कि व्हाट्सएप जैसी सिक्योरिटी शायद दूसरे के पास है, लेकिन वो कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। लोग मूव कर रहे हैं, ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी डिप्लोमेसी हुई, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद लोग स्विच करना चालू किए। लेकिन अगर हम बात करें टेलीग्राफ की, तो टेलीग्राफ में जो टू वे वेरिफिकेशन इससे पहले था, आपके एक ऑटो सबसे अच्छी फीचर उनकी सेल्फ डिक्टेशन, यानी कुछ देर बाद आपने मैसेज भेजा और कुछ सेकंड बाद या टाइम सेट के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, जैसे हम प्राइवेसी चैट बोलते हैं। हाँ। तो आप भी उसमें गलती से भेजने पर या जानबूझकर भेजने पर भी वो कुछ समय बाद आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, स्क्रीन ब्लॉक, यानी जो आपका खासतौर से प्रिंट स्क्रीन कैप्चर करने का है, वो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहती। बिल्कुल दामोदर जी, यानी कहीं ना कहीं अभी व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर एक संशय कहीं ना कहीं बना हुआ है। इस चर्चा के लिए दामोदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है व्हाट्सएप यूजर्स अन्य एप्स पर अब शिफ्ट होना शुरू हो गए, करोड़ों यूजर्स ने सिग्नल और टेलीग्राम जैसे एप्स को अब डाउनलोड करना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी को लेकर अभी भी एक संशय बना हुआ है। फिलहाल आपकी खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।